मनु चित्रा जी समझ में आता है इनकी इनके संस्कार क्या है ये डिबेट पे बता देते हैं। इनके संस्कार इसी से समझ में आ जाते हैं जब समाजवादी पार्टी एक 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को अपनी पार्टी में रखती है क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखती है जो जाके चाइल्ड लोग बच्चों का रेप करते हैं और उसके अंदर मेन आरोपी रहते हैं। ये गोपाल मिश्रा के परिवार से इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि इनको वोट बैंक को पसंद है। जब इनकी सरकार थी 699 मर्डर हुए थे 45 दिन के अंदर। जब इनकी सरकार थी मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर ये 13 दिन तक मिलने नहीं गए थे पीड़ितों से। सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगी थी। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा खराब है। ये क्या बात करेंगे। इनके समय में पुलिस जो है वो सफाई के अंदर पिटी जाती थी। अखिलेश यादव कब जाके उठा ले देख ली कैसे आईजी अखिलेश यादव के कदमों में रहता था। तो ये गुंडों की पार्टी और गुंडों से संस्कारी लोगों को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 और 22 के अंदर इनको सबक सिखाया और आने वाले उपचुनाव में भी इनको सबक सिखाएगी और असेंबली इलेक्शन के अंदर भी इनको सबक सिखाएगी। देखिए मैं बात करना चाहता हूं तथ्यात्मक बात क्या। यह कांग्रेस पार्टी की स्थिति। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम 2 सीट कांग्रेस पार्टी को देंगे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनको इनका कोई अलायंस होने वाला है। अब रत्नाकर जी ने बोली कि भाई 1984 में हमारी जो है वो सीटें जो थी लगभग 2 आई थी। फर्क था चित्रा जी, तब हमारी पार्टी जो है वो 10 साल भी पुरानी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है जो एक समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया करती थी। आज जो है सिंगल डिजिट पोर्शन नोटा से कंपेयर कर रही है हम बढ़ते हुए ग्राफ में। और ये मैं आपको प्रूफ करना चाहूंगा। इससे बात यहीं पर सीमित नहीं। रत्नाकर जी इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ये 90% सीट में जब हमारे सामने आमने सामने होते 90% सीट पे हार जाते हैं और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी नोटा से कंपीट कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 15%, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 0.5%, झारखंड के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 40%, दिल्ली के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 0%, बिहार के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 27%, महाराष्ट्र के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 29%। तो ये समझ सकता हूं जो 50% स्ट्राइक रेट ना ला पाए, जो 10% वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर ना ला पाए, वो उलझुल बातें करेगा, निजी टिप्पणी करेगा, गाली गलौज करने का प्रयास करेगा, व्यक्तिगत होगा, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। क्योंकि पता है कि आज जनता इनके साथ में नहीं है। तभी राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने बोल दिया उत्तर प्रदेश में कैंपेन मत करो, भारत जोड़ो यात्रा 10 दिन रही तब भी एक सीट नहीं दी। प्रियंका वाड्रा को कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नेता है परंतु अखिलेश यादव ने एक भी सीट नहीं दी। तो रत्नाकर जी फ्रस्ट्रेटेड मुझसे नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत दिखा दी। ठीक है नागर साहब, आ रही हूं, रत्नाकर जी जवाब देंगे इसका। रत्नाकर जी नहीं, मैं आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं छत उन लोग से फ्रस्ट्रेटेड होता भी नहीं। और आप लोग ने तो तमाम पार्टियों को तोड़ के सरकार बनाई है, आप लोग क्या बात करेंगे। पहला प्रेसिडेंट रूल किसने लागू करा था रत्नाकर जी? डीएमके की सरकार किसने गिराई थी? 1997 भूल गए आप? ना 1957 भूल गए कि कैसे पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी? नेहरू जी ने कह दिया था कि नहीं कम्युनिस्ट सरकार कैसे बन सकती है। अरे थोड़ा यूपी में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश पर ही रहते हैं। जिस मुद्दे पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं, जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं यूपी पर ही रहते हैं, यूपी पर। ठीक है रत्नाकर जी, नागर साहब का जवाब दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए, बोलिए। नागर साहब ने अभी कहा कि समझौता नहीं हुआ। सांसद रहे, बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, समझौता जब नहीं होता है तो लोग आज दूसरे के आमने सामने लड़ते हैं। अरे नागर साहब, समझौता हुआ तभी ना हमने उसको समर्थन के साथ लड़ा। आपके मुंह से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी शब्द की, क्योंकि समझौता क्या होता है उस पर जरूरी नहीं है कि सीट शेयरिंग, उसमें एक दूसरे का समर्थन शामिल होता। आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। IIT BHU की लड़की के साथ भाजपा के पदाधिकारी रेप करते हैं और 2 महीने तक पुलिस वीडियो दबाए इसलिए दबाए रहती है क्योंकि 3 जगहों पे चुनाव होते हैं। खाया क्या सुनिए, बनारस के अंदर डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया क्योंकि आगे चल के नरेंद्र मोदी जी का नाम देना है। डॉक्टर संपूर्णानंद कायस्थों के बड़े नेता थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारत और प्रदेश में बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते थे। उनका नाम खा गए और क्या खाए सुनते हैं, पितरों को खा गए, हमारे पूर्वजों को खा गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासी जाकर के दीप जलाते थे पितृपक्ष में और बाद में मुफ्त में जलाते थे। अब 3 दीप जलाएंगे तो योगी आदित्यनाथ 1100 रुपया लेंगे और 31 दीप जलाएंगे तो योगी आदित्यनाथ 11,000 रुपए। जी जिन्होंने प्रभु का मंदिर नहीं बनाया आज वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। जिन्होंने कभी प्रभु के नाम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं, वो रत्नाकर त्रिपाठी हिंदू धर्म की बात करेंगे। ठीक है अरे प्रदीप भंडारी जाके पहले राहुल गांधी को बोलो अयोध्या के अंदर दर्शन करे। जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कहते हो, जब अयोध्या क्या कहा था कि जैसे दर्शन करने। मैं तो टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ ना,
पीछे तो बोल नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, पीछे नहीं ना बोल रहा हूँ। बेचो पितरों को, बेचो देवता, बेचो देश, बेचो, बंद करो ना सुब्रमण्य स्वामी को, जो रोज कहते हैं चाइना ने जमीन कब्जा कर ली, क्यों नहीं उनके बंद करना कर रहा जी। मुझे लग रहा है कि हम लोग भटक जा रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर बातचीत हो रही है भाई, एक सेकंड सर, दोनों लोग मुद्दों को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, मैं नहीं लेकर जाना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, वो इतना बड़ा प्रदेश है, इतना कुछ है बताने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इधर उधर हम भटक जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।